हेलो दोस्तों, आज मॉर्निंग में बच्चों के लिए बनाया मैंने ये पैनकेक। ये देखिए, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और अच्छा है। देखा तो मॉर्निंग में ये चीज़ें वैसे खानी नहीं चाहिए, लेकिन मैंने बना के दिया है तो बच्चे खाएंगे, क्योंकि 15 से 20 दिन में एक आधी बार ये चीज़ें हो जाती है तो ठीक है। तो चलो, मैं तो खाती नहीं, मैं अपने लिए कुछ और बना लूँगी। ठीक है, बाय दोस्तों। हेलो दोस्तों, आज है संडे। संडे के दिन हम देखो क्या, संडे के दिन क्या है, संडे के दिन छुट्टी नहीं होती, संडे के दिन काम ज़्यादा होता है, तो काम ज़्यादा करना पड़ता है। और जैसे कि एक्स्ट्रा काम हो जाता है, मार्केट जाना, या फिर वैसे भी आज अब त्यौहार आ रहे हैं तो उस वजह से मार्केट में तो जाना होगा। और उसके बाद काम लेट होता है, क्योंकि लेट उठते हैं तो लेट काम होता है, तो इस वजह से। और क्योंकि आज बहुत लेट उठे हैं और ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है, तो ब्रेकफास्ट में आज मैं कुछ नहीं बनाऊंगी, आप लोगों को सच में बताऊंगी, कुछ नहीं बनाऊंगी। वो होते ना क्या कहते हैं, रस जो सोपरस होते हैं वो, और बिस्किट ही खाऊंगी, ज़्यादा कुछ नहीं खाऊंगी। और थोड़ा बहुत जिसको जितना चाहिए, जैसे ठंडा पानी किसी को चाहिए, किसी को कुछ, किसी को कुछ, वो चीज़ मैं बना दी है। और मैं चाय बिस्किट ही खाऊंगी, ज़्यादा नहीं खाऊंगी। और कुछ बच्चे इस प्रकार की चीज़ें भी खा लेते हैं। कितनी बनाओगी ये पैनकेक है जो इस लड़की ने बनाया है, थोड़ा सा मैंने मतलब हेल्प की है और ये बन के रेडी हो गया है। और चलो जी दोस्तों, हेलो दोस्तों, आज मैं देखो कहाँ जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ आज बाज़ार, क्योंकि रक्षाबंधन आने वाले हैं, तो मैं सोच रही हूँ कुछ सामान खरीदा जाए और इसके लिए हम हो गए हैं रेडी। तो चलो चलते हैं बाज़ार। दोस्तों बाज़ार में पैदल ही आई हूँ, और दोस्तों बाज़ार में इतनी भीड़ है, कुछ सामान लेना बहुत मुश्किल है, क्योंकि संडे है। सिर्फ हम गोलगप्पे खा के एक दो सामान लेके घर वापस आ गए हैं। घर वापस आने के बाद हम बनाएंगे, कुछ बनाने का ज़्यादा मन तो है नहीं, क्योंकि गोलगप्पे खा के हैं, तो हम सोच रहे हैं हम टमाटर डाल के चावल बना लेंगे। तो चावल के लिए मैं चावल पहले भिगो के रख दूँगी, और उसके बाद धो के इसको अच्छे से छोक लेंगे, इसमें आलू और टमाटर डाल के। तो दोस्तों यहीं तक था मेरा व्लॉग, और आपको कैसा लगा। तो देखो जी, मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि थकावट के कारण काम करना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए, लेकिन फिर अगर दो जने होते हैं तो फटाफट वो चीज़ बन के तैयार हो जाती है, और मिलजुल के ऐसे ही किचन का काम संभाला जाता है। धन्यवाद दोस्तों, बाय।